जी हाँ, स्टार्ट हो गया है। तो ग्रुप पे सब लोग पूछ रहे हैं वेबिनार कितनी देर में स्टार्ट होगा। इट्स स्टार्टेड, एवरीवन शुड जॉइन। एंड यप, मैं एक बार ग्रुप पे लिख रहा हूँ, इट्स स्टार्टेड। और इफ सम ऑफ द मेंबर इज ऑन टेलीग्राम ग्रुप या फिर अनिरुद्ध देख रहा है, तो एक बार टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दो कि इट्स स्टार्टेड। तो वेलकम वेबिनार नंबर 29। और हिंदी में कहावत है कि शगुन अच्छा होता है ना, तो चीजें बहुत अच्छी चलती है। तो पिछले 12 जुलाई, एग्जैक्ट मैंने अभी डेट देखी, मैंने 12 जुलाई 2020 को पहला वेबिनार जो हमारा हुआ था मेंबर्स का, वो हुआ था जिस स्पीकर के साथ। आज वो पूरी कड़ा एक बार फिर से जुड़ गया 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद हम उन्हीं स्पीकर के साथ, उन्हीं वक्ता के साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं एलएलए के एक और एक्सक्लूसिव वेबिनार में। और आज का जो विषय है उसमें मुझे लगता है बहुत सारे मेंबर्स को काफी रुचि रहेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, पीएफ से रिलेटेड है, और जिसका काम आपको और हमारी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे पड़ता है। तो आज के हमारे स्पीकर हैं नन अदर देन हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप मेंबर सुमित। हेलो, वेलकम सुमित, वेलकम वंस अगेन। 1 से लेकर थैंक यू ट्वेंटी सर। नाइन तक का सफर, एंड वी स्टार्टेड दिस सीरीज विद वेबिनार बाय यू, द फर्स्ट एलएल एक्सक्लूसिव वेबिनार। एंड वापस हम लोग आए हैं इस 29th वेबिनार में। इट्स अमेजिंग टू हैव यू इन द ग्रुप एज वेल एज फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच सर। थैंक तो यू। सुमित, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ही हैज कंप्लायंस एक्सपीरियंस ऑफ आई गेस 11-12 इयर्स नाउ। एंड क्वेस्ट ग्रुप करके इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, आई गेस दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, राइट? प्राइवेट एम्प्लॉयर इन इंडिया, यस वहां पे आप सीनियर कंप्लायंस मैनेजर हैं। एंड तो हाउ थिंग्स सुमित, एंड एनी अपडेट आपके प्रोफेशनल फ्रेंड से? अपडेट प्रोफेशनल फ्रंट से इन द सेंस अभी सिचुएशन थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में आ रहा है। ओके, जो 6 महीना पहले एकदम से हाथ से निकल गया था, तो देर हैज बिन अ लॉट ऑफ एट्रिशंस। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके वी आर गेनिंग आवर मैन पावर, गेनिंग आवर बिजनेसेस। सो आई स्टिल रिमेम्बर के फेब्रुअरी 2020 आई हैव फाइल्ड ईपीएफ चालान फॉर 3.8 लाख पीपल। ओके, वाओ, सितंबर सितंबर टू सितंबर 2020 इट केम डाउन टू 2.5 लाख। ओके, या नाउ अगेन इट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप। नाउ आई एम रीचिंग अराउंड 3.25, तो स्लोली एंड स्लोली इट हैज वंडरफुल टेकन ओवर। वंडरफुल। 3 लाख लोगों का, छोटे मोटे शहर का पॉपुलेशन होता है उतना का आप चालान बनाते हो, तो दैट्स वंडरफुल। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दिस टॉपिक वाज सजेस्टेड बाय सुमित हिमसेल्फ, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ऑब्वियसली आप सभी को प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम लोग आज पीएफ के कॉमन इश्यूज और उनके रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे कि कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करेंगे तो आपकी जो इश्यूज है वो कम से कम आएंगे। तो आई होप एवरीवन इज जॉइंड, एंड आई होप यू कैन सी एस वेल। अगर आपको आराम से आवाज वगैरह आ रही है तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वेबिनार के बीच में और टुवर्ड्स द एंड हम लोग क्वेश्चन सारे लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुमित, लेट्स बिगिन। क्या अपन आज एक बार आप थोड़ा सा आज का एजेंडा बता दीजिए कि व्हाट आर वी गोइंग टू कवर टुडे? आज का जो मेरा एजेंडा है दैट इज बेसिकली टू कवर डेली ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज जो आपका पीएफ में होता रहता है। ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज आई एम नॉट कीपिंग दैट ईएसआई, आई एम नॉट कीपिंग द चालान पार्ट। चालान पार्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी मतलब होता है कि आपका ट्रांसफर्स, फिर आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन, फिर आपका ईपीएफ ईपीएस करेक्शंस, तो ये सब बहुत सारा मैकेनिज्म्स होता है जो कि आपका ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज में माना जाता है पीएफ डिपार्टमेंट में। अभी वो सब चीज करने के लिए क्या कंपनी को करना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है, क्या रिकॉर्ड देना पड़ता है, वो सब चीजों को लेकर मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कौन सा लेने वाले हैं उसमें से? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पीएफ ट्रांसफर। ठीक है आप ठीक है? हाँ, इफ यू वांट टू शेयर मैं आप स्क्रीन पर दिखा दूंगा। श्योरली। तो मैं अभी एक स्क्रीन जस्ट शेयर कर रहा हूँ फॉर दैट ट्रांसफर्स एंड ऑल। जस्ट मुझे एक बार आप बोल दीजिएगा कि इफ इट्स विजिबल। यार हाँ, इट्स विजिबल। यस ठीक है, लेट्स ओपन दिस एक्सेल फाइल एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ यूजिंग। नो वरीज। हाँ हाँ, इट्स सो हाँ इट इज नॉट कम। हाँ
एक एक चीज करिए, नीचे ये हाइड बटन आ रहा होगा ना, एक बार उस पर हाइड पे क्लिक कर दिए। हाँ हाँ थैंक यू। और एक बार शायद ये F11 से फुल स्क्रीन हो जाता है एक्सेल, एक बार F11 ट्राई करिए, या होम बटन पे एक बार डबल क्लिक करिए होम पे। हाँ एक बार इस पे डबल क्लिक करिए तो होम पे, तो ऊपर का रिबन बंद हो जाएगा तो थोड़ा सा इजी दिखेगा। हाँ इस पे डबल टैप करने से होता है। थैंक यू। तो कैन वी डिस्कस, स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ? यस लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल अवर मेंबर्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला है कि ये टाइम को आके टू जॉइन दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। सो मैं पहले शुरू करने जा रहा हूँ अपना ट्रांसफर केसेस के लिए। तो देखिए ट्रांसफर केसेस में ना बहुत सारा नेचर ऑफ ट्रांसफर्स इसमें होता रहता है, जैसे एग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड, फिर आपका अनएग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड, फिर अनएग्जेम्प्टेड टू एग्जेम्प्टेड, बहुत सारा ट्रांसफर इश्यूज मैकेनिज्म्स है। तो अभी मैंने क्या किया, सभी का एक एक करके सिनेरियो मैंने पकड़ा है। जैसे नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन पहले आपके पास क्या आएगा, आई हैव ट्रांसफर्ड माई अर्लियर ईपीएफ मेंबरशिप बट स्टिल अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द पासबुक। ये आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा। अभी इसमें पॉसिबल सिनेरियो क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट टू अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज फ्रॉम अदर ट्रस्ट कंपनीज। अभी ट्रस्ट कंपनीज को हम लोग अनएग्जेम्प्टेड मानते हैं क्योंकि द पीएफ पोर्शन इज बीन मेंटेन्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन द पेंशन इज बीन मेंटेन्ड बाय द रेस्पेक्टिव आरपीएफसी और द रेस्पेक्टिव ईपीएफ ऑफिस अंडर विच द एग्जेम्प्शन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सो राइट, इसमें टू सिनेरियोस, वन इज the company maintains the EPF portion and the RPFC maintains the pension amount and the pension service. अभी इसमें solution क्या होता है, जैसे आप मान लो के एक unexempted establishment से और या तो एक exempted establishment से unexempted establishment में पैसा भेज लो। जैसे for example company A is an exempted establishment जिसका PF और pension दोनों ही maintain होता है PF office में। Now, अभी उसका पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हो टू सम ट्रस्ट कंपनी विच इज एन अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। अभी इसमें बहुत सारा टाइम में क्या होता है, जैसे अगर कोई मेंबर ने अपना ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया तो उसने ऑनलाइन जो प्रोसेस है अपना यूएन पोर्टल में जाके वन मेंबर वन अकाउंट वहां पे जाके ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिया। नाउ ही हैज द चॉइस टू गेट इट ऑथोराइज्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर, जो भी है उसको जैसे ही वो ऑथोराइज कर देता है ऑटोमेटिकली द ट्रांसफर मैकेनिज्म हैपेंस ऑनलाइन। अभी इसमें बहुत सारा केसेस में क्या होता रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेंबर कोई ट्रस्ट कंपनी में जा रहा है तो बहुत सारा केसेस में ट्रस्ट कंपनी आस्क्स फॉर द एनेक्सचर के। अभी मेन चीज जो है एनेक्सचर के का प्रोविजन इज नॉट एट ऑल अवेलेबल टू अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, वो अपना एम्प्लॉयर पोर्टल से एनेक्सचर के जेनरेट कर ही नहीं पाएगा, नंबर वन। नंबर टू है इफ द मेंबर इज कमिंग फ्रॉम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट टू अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट द मेंबर नीड टू टेक एनेक्सचर के ऑफ पीपीआर एक्युमुलेशंस फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। अभी प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास तो एनेक्सचर के होगा नहीं, तो एनेक्सचर के कहां से आएगा? नाउ द एनेक्सचर के हैज टू बी टेकन फ्रॉम द आरपीएफसी। ओके yes, so the member has to raise a grievance in the APFO portal in the APFO office under which his or her previous establishment is registered and asks for the annexure K. Pension service ke liye bhi le sakta hai aur aapka EPF service ke liye bhi le sakta hai. Okay. Now finally the member has to raise a last grievance in the APF office under which his present establishment is registered. The member need to upload both the annexure K and request for the transfer to be approved from their backend such that it gets reflected in the member passbook. तो मतलब इसमें member को दो चीज करना पड़ेगा, एक है अपना PF जो मान लो के for example Questcorp is an unexempted establishment, मतलब मेरा कोई trust नहीं है, मेरा है। जो भी होता है PF department से maintain होता है। ठीक है अभी member कोई ऐसा कंपनी में जा रहा है जिसका पीएफ मेंटेन होता है अपना ट्रस्ट में, अभी ट्रस्ट टीसीएस में मान सकता है, टीसीएस में जा रहा है, राइट, टीसीएस इज अ ट्रस्ट। नाउ टीसीएस कैन आस्क फॉर द एनेक्सचर के, अभी एनेक्सचर के तो क्वेस्कॉर्प दे नहीं पाएगा क्योंकि क्वेस्कॉर्प इज एन अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट।
तो अभी क्या करना पड़ेगा मेंबर को, फिर एक क्वेरी रेज करना पड़ेगा टू दी ग्रीवेंस जहां पे ही विल आस्क फॉर द एनेक्सर के फ्रॉम द ईपीएफ डिपार्टमेंट अंडर व्हिच क्वेस कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड. नाउ ही विल गेट द एनेक्सर के ऑफ बोथ पेंशन सर्विस एंड द पीएफ अमाउंट. नाउ फाइनली अगेन दैट मेंबर हैज टू रेज वन मोर ग्रीवेंस टू द ऑफिस इन व्हिच ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड. फिर जाके उसका दोनों अकाउंटिंग होगा, तब जाके उसका मेंबर पासबुक में सब कुछ फाइनली अपडेटेड रहेगा. ओह माय गॉड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो ये तो वर्कर्स खुद कर पाते होंगे ये काम सब? हाँ, अगर एक्चुअली वी हैव आवर ओन सपोर्ट टीम, हम लोग का सपोर्ट टीम है, सपोर्ट फंक्शन है, तो जो ये सब कर देते हैं. लेकिन दिस आर द पॉसिबिलिटीज एंड दिस आर द ओनली सॉल्यूशन दैट इज अवेलेबल. नहीं तो आपको पीएफ ऑफिस का चक्कर लगाते रहना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी इन टुडेस डेट आई एम हैंडलिंग सच केसेस. जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा ट्रस्ट कंपनी से मेरे कंपनी में आया हुआ है, उसका अभी तक ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि अकाउंटिंग ही अभी तक पीएफ डिपार्टमेंट ने नहीं किया है उसका. फिर उसका उसका पुराना वाला कंपनी से एनेक्सर के मांगना पड़ा, फिर एनेक्सर के जाके मैंने पीएफ डिपार्टमेंट को दिया, फिर पीएफ डिपार्टमेंट उसको बैकएंड से अप्रूव किया, फिर जाके उसका खाली पीएफ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन पेंशन सर्विस ट्रांसफर नहीं हुआ. अभी बंदा क्या करेगा? फिर जाके उसको ट्रस्ट कंपनी में और एक ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा कि भाई उसका पेंशन सर्विस का एनेक्सर के दे दीजिए. फिर वो पेंशन सर्विस का एनेक्सर के आएगा, तब जाके पेंशन सर्विस अनएक्जेम्प्टेड कंपनी में जाके ऐड होगा, तब जाके उसका प्रोफाइल सब पक्का होगा. ओके, तो ये जो एनेक्सर की है वो एग्जम्प्टेड और अनएक्जम्प्टेड दोनों कंपनीज का ही पीएफ ऑफिस के पास रहता है या सिर्फ अनएक्जम्प्टेड का पीएफ ऑफिस? ओनली अनएक्जम्प्टेड का पीएफ ऑफिस में रहता है. एग्जम्प्टेड जो है जिसका ट्रस्ट है, ट्रस्ट के एनेक्सर के ट्रस्ट के पास ही रहता है. ट्रस्ट के पास ही रहता है. अच्छा, ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें जो हमारे ट्रस्ट है उसमें पेंशन एग्जम्प्ट नहीं होती है, केवल पीएफ एग्जम्प्ट होता है. तो उस केस में भी यही प्रोसेस रहेगा? एब्सोल्युटली. इसमें जो ट्रस्ट कंपनी है, ट्रस्ट कंपनी में पेंशन मेंटेन होता है विद द रेस्पेक्टिव आरपीएफसी, जहां पे आपका ट्रस्ट कंपनी ने पहले अपना पीएफ अकाउंट खोला था, उसके बाद वहां से अपना एग्जेम्पशन लिया था फॉर बीइंग अ ट्रस्ट. अभी पेंशन सर्विस मेंटेन हो रहा है कहीं दूसरे जगह, पीएफ मेंटेन हो रहा है कहीं दूसरे जगह, तो अभी दोनों जगह से अलग अलग करके आपको एनेक्सर के मांगना पड़ेगा, तब जाके वो एक जगह में फाइनली एक्युमुलेट होके एक सिंगल में दिखेगा. ओके ओके, तो अगर ट्रस्ट से ट्रांसफर हो रहा है तो पेंशन के भी केस, पेंशन वाला केस, इवन दो वो आरपीएफ मतलब ईपीएफओ के पास ही है पेंशन, तो फिर भी अपने को एनेक्सर के चाहिएगा पेंशन वाले का. एब्सोल्युटली, पेंशन फॉर ट्रांसफरिंग द पेंशन सर्विस. गॉट इट. ठीक है, ठीक है सर. पेंशन का अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली द पेंशन सर्विस गेट्स ट्रांसफर. क्योंकि हां, एग्जैक्टली. एंड नाउ दिस इज द केस. अभी द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारा केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेंबर एक नॉर्मल अनएक्जेम्प्टेड टू अनएक्जेम्प्टेड में ट्रांसफर होता है, उसका अप्रूवल एम्प्लॉयर अप्रूवल कर देता है, अप्रूवल कर देने के बाद फिर भी उसका पैसा उसके अकाउंट में दिखता नहीं है, तो ये सब केसेस में मेंबर को ग्रीवेंस रेज करना ही पड़ता है. ओके, कि क्यों नहीं दिख रहा है, मेरा एम्प्लॉयर ने तो अप्रूव कर दिया. अगर कुछ रिजेक्शंस होता है तो वो किस वजह से रिजेक्शन हो रहा है. अभी द पॉसिबल रीजन फॉर रिजेक्शंस आर नंबर वन, फादर नेम डिफर्स. ठीक है. नंबर टू, आधार नॉट वेरीफाइड. अभी ये रिसेंट चालू किया है. ओके, आधार नॉट वेरीफाइड. नंबर थ्री, EPF and EPS contribution is wrongly remitted. Wrongly remitted मतलब कुछ मंथ में आप पेंशन दिए हो, कुछ मंथ में पेंशन नहीं दिए हो, या तो आपका डेट ऑफ लिविंग लग गया है ऑलरेडी जनवरी 2021 लेकिन मार्च में उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो ये सब केसेस में आपका इमीडिएटली रिजेक्शन हो जाएगा. तो ये एक्चुअली जानने के लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा कि किस कारण आपका रिजेक्शन हुआ है, फिर आपको आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गिव अ क्लेरिफिकेशन, फिर वो जाके अकाउंटिंग होगा, फिर जाके वो ट्रांसफर हो पाएगा. सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ ट्रांसफर्स. वेरी नाइस. ठीक है, तो ट्रांसफर के केस में अपन ने आई गेस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है. एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस ट्रांसफर वाले में? नो, ट्रांसफर वाले में इट इज ओनली अप टू दिस मच. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज देयर इज के मेंबर शुड यूज द मैक्सिमम ऑनलाइन फैसिलिटी जो कि उनके पास अवेलेबल है इन केस ऑफ एनी रिजेक्शंस हैपनिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर्स नॉट टेकिंग प्लेस
प्लीज रेज अ ग्रीवेंस विद द रेस्पेक्टिव आरपीएफसी टू नो द रीजन फॉर रिजेक्शन, क्योंकि रीजन फॉर रिजेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एम्प्लॉयर भी उसका एक्शन नहीं ले पाता है कुछ भी. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, अब मैं एक बार फॉर इफ वी कैन शेयर दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम से अनएग्जम्प्टेड टू एग्जम्प्टेड एंड वाइस वर्सा, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहता है वो एक बार मुझे, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम समराइजिंग इट, और अगर इसमें कहीं आपको लगे कि कुछ चीज ऐड होनी चाहिए तो आप मुझे बताइए. मान लीजिए मुझे ट्रस्ट में पीएफ में ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने ट्रस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा. नहीं, ट्रस्ट में ट्रांसफर करना है. नहीं, मुझे ट्रस्ट से पीएफ में ट्रांसफर करना है. मान लीजिए ट्रस्ट से पीएफ में मुझे ट्रांसफर करना है पैसा, तो सबसे पहले मैं ट्रस्ट में अपने जाके एचआर से कोऑर्डिनेट करूंगा कि मुझे ये पैसा ट्रांसफर करना है. राइट, ये कोई फैसिलिटी तो ऑनलाइन नहीं है ट्रस्ट वाली. ये ऑनलाइन फैसिलिटी है ट्रस्ट को. आप अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन, आप अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन. ऑनलाइन करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट, एंड इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर दोस पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ट्रस्ट to please select the authorization with respect to the previous employer only, not present employer. अगर previous employer उसको करेगा तभी जाके previous employer को पता चलता है कि member has applied for transfer from trust to non-trust. ठीक है. So this is one very important catch point. Very nice. तो उसने member ने online transfer के लिए apply किया from previous to current. अब आप एज अ एम्प्लॉयर, आपके पास कोई इंटीमेशन आता है कि इस मेंबर ने ऐसा ट्रांसफर किया है? एब्सोल्युटली. ठीक है, तो आपको वो अप्रूव करने के साथ आप फॉर्म के कहां पे सबमिट करते हो फिर? आप जैसे उसको अप्रूव करते हो, आप जैसे उसको अप्रूव करते हो, द पीएफ डिपार्टमेंट विल बी आस्किंग फॉर द एनेक्सर के, दैट इज आपके पास जो उसका पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू द पीएफ ऑफिस वाया डीडी एंड एनेक्सर के. एंड एनेक्सर के वो डीडी और एनेक्सर के जब वो पीएफ ऑफिस के पास चला जाएगा, मतलब वो डीडी का पैसा पीएफ ऑफिस में जमा हो गया. अभी एनेक्सर के देखने के बाद वो पैसा वो मेंबर का अकाउंट में अकाउंटिंग होगा. ठीक है, कंपनी है एनेक्सर के एंड डीडी, दोनों ही चीजें ऑफलाइन जमा होगी पीएफ ऑफिस में. ये कौन से पीएफ ऑफिस में जमा होगी, जो करंट कंपनी का है या फिर? हां, यू कैन शो अ सैंपल दैट वुड बी. I'll just show you a sample of NXRK. One second. But very surprisingly, I have just given a mail just few minutes back only. Okay. Regarding this. Okay. तो एनेक्सचर, तब तक आप मेल ढूंढने, तब तक ये चीज क्लियर करते हैं कि जो एनेक्सचर के हमारा जमा होगा, फॉर एग्जांपल मैं बेंगलोर ऑफिस में जो अभी अभी मेरी ट्रस्ट है वो बेंगलोर में है, और मान लीजिए जिस जगह मेरी नई जॉब लगी वो जयपुर में है, तो ये जो डीडी जमा होगा ये जयपुर ऑफिस में जमा होगा या बेंगलोर ऑफिस में जमा होगा? हाँ, वो आपका नॉर्मली वैसे ही होता हो जाएगा. नहीं, मतलब ऑन इन व्हिच ऑफिस आई हैव टू सबमिट द डीडी? मान लो कि अगर आपका ट्रस्ट कंपनी कहाँ पे है, ट्रस्ट कंपनी बेंगलोर में है, अभी बेंगलोर से वो जयपुर जाना है, तो हाँ जयपुर में नई जॉब लगी है जयपुर में और वो अनएग्जम्प्टेड है, वो नॉर्मल है, तो ये जो आरपीएफसी जयपुर के पास जमा होगा डीडी और एनेक्सर के, या बेंगलोर में डिपॉजिट होगा? जयपुर में डिपॉजिट होगा. तो बेसिकली द कंपनी हैज टू कुरियर या स्पीड पोस्ट द डीडी टू जयपुर ऑफिस. एब्सोल्युटली. Is my screen sharing visible? अब कर देता हूँ. I'll share. It's shared. Yes. This is the annexure K which has come from an establishment which is a trust. Trust में क्या क्या रहता है? This is the annexure K which has to be given. इसमें आपका provident fund, pension fund दोनों ही रहता है. ठीक है. But the provident fund is only mentioned in the annexure K for the trust. Pension service is been maintained by the RPFC. Okay. ठीक है. अभी देखिए इसमें आपका खाली क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय शेयर ओनली फॉर पीएफ, पेंशन इज नॉट अकाउंटेड हियर. राइट. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा टू दी आरपीएफसी. जैसे ये जो कंपनी है, ये कंपनी कहाँ का है? कोलकाता का है ना. अभी ये पैसा किसके पास आ रहा है? पेड टू रीजनल प्रोक्योरमेंट कमिश्नर बोमासंद्रा.
चेक और डीडी इंस्ट्रूमेंट एनईएफटी अमाउंट डिसबर्स इतना, उसका टोटल इतना अमाउंट पीएफ का पैसा है, वो पीएफ का पैसा वो आरपीएफसी को जमा करेगा, जमा करने के बाद फिर जाके वो जो एम्प्लॉय मेरे कंपनी में ज्वाइन हुआ है जिसमें उसका ये वाला मेंबर आईडी दिख रहा है, पीएफ अकाउंट नंबर, तब जाके ये पीएफ अकाउंट नंबर पे ये वाला पैसा जमा होगा। ओके, यस, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, दिस इज द एनेक्सर के। और अभी ये एनेक्सर के इज अ कॉमन फॉर्मेट अक्रॉस एवरीबॉडी, एंड एनेक्सर के में पीएफ डिपार्टमेंट क्या देखता है, पीएफ डिपार्टमेंट देखता है ये चेक और डीडी एनईएफटी इंस्ट्रूमेंट डेट डिसबर्समेंट अमाउंट। ओके, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। या आई हैव स्टॉप्ड द स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू। So next topic we can go for the, which is a very dangerous thing that has come up from the PF department, that is a circular which has come up in the month of February 2021 on name changes. Okay. 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 So Sumit, there are three questions related to transfer. Let's cover it with this transfer only. So Balaji पूछ रहे हैं, why annexure K is required? So I guess this is because उनको पीएफ डिपार्टमेंट को एक्चुअली पता चले कि कितना पैसा ट्रांसफर करना है, राइट? करेक्ट, राइट। तो कितना पैसा ट्रांसफर या अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग। सो टेक्निकल टर्म इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। ओके, अर्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस पेंशन इज नॉट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वो आई गेस ये बहुत कम लोग जानते हैं, एक्चुअली पेंशन आपको पासबुक में नहीं दिखती है, ओनली सर्विस हिस्ट्री इज विजिबल। Correct. Very correct. So, this is solved. Then Sandeep is asking, nowadays NRS is being asked by EPFO in transfer claim how to submit. ये NRS क्या होता है? I don't know. Nowadays NRS even, you know? NRS I'm not aware. I have never come across such query. Okay, तो संदीप जी, we will take this question. आप थोड़ा और detail में question लिखिएगा. We will take this question after this current topic. Okay, let's move on. Yes, absolutely. Because I have never come across any such cases or queries regarding NRS. Okay. Okay. So now I would just like to discuss with a very, very common, dangerous topic that has now come. That is your name correction. Now the name correction has been very difficult with respect to the EPFO and the Aadhaar card. That means with respect to UN में आपका क्या नाम है, against आपका आधार में क्या नाम है, right? Right. So if you can see, I can see, yes. The circular dated 12th Feb 2021. I hope most of the people might be having this circular. Right. अगर किसी के पास नहीं है तो we can obviously share with them. So this circular has two classifications. One is major change and one is minor change. अभी माइनर चेंजेस में क्या क्या कैटेगरी होता है, जैसे फिर मान लीजिए कि मेरा नाम है सुमित मुखर्जी, सुमित मुखर्जी की जगह अगर एस मुखर्जी हो गया तो वो माइनर चेंज में माना जाएगा। अगर सुमित मुखर्जी का जगह सुमित एम है तो वो माइनर चेंज में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट नेम चेंज होता है ना, तब जाके वो मेजर चेंज में माना जाता है। मेजर करेक्शंस में क्या है, ऑल दोस केसेस व्हिच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर करेक्शंस और एनी करेक्शंस लीडिंग टू कंप्लीट चेंज इन नेम और फादर नेम वेयर करेक्शन इन मोर देन टू फील्ड्स आर इन्वॉल्व्ड, द मेजर एंड माइनर करेक्शन शैल बी ऑपरेटेड बाय, फॉर माइनर करेक्शंस ओनली एपीएफसी एंड आरपीएफसी 2 हैज द अथॉरिटी, and for major corrections rpfc 1 and rpfc 2 has the authority, not even apfc can approve it. Okay, now in major corrections things are been written here. Now if you go by this process you will not be able to understand what are the different type of major changes that normally comes as a query. Now the major changes that comes as a query is this. You can share the screen, Rishabh sir. It's shared, yeah, it is shared. Yeah. So, subcategories, name changes after marriage. Now, I have seen this for mostly Maharashtrian people where they completely change their name. Like from
श्रीमती एक्स वाई जेड टू श्रीमती एबीसी 100% नेम चेंज हैपेंस. ओके. फॉर द नेम चेंजेस आफ्टर मैरिज वट एवर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो इज इनवेरिएबली रिक्वायर्ड, उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट. गवर्नमेंट गैजेट फॉर नेम चेंज, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज अ गैजेट विच नोटिफाइज द नेम चेंज. अगर आपका शादी के बाद पूरा 100% नेम चेंज होता है ना, द गवर्नमेंट हैज टू नोटिफाई इट. सो द गवर्नमेंट गैजेट हैज टू बी सफाइज्ड एंड हैज टू बी एफिक्स्ड विद द जॉइंट डिक्लेरेशन लेटर ऑल्सो. ओके. इफ पॉइंट नंबर 3 इज नो, देन प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन फॉर नोटिफाइंग द नेम चेंज. आपको पेपर में एड देना पड़ेगा. जो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस में क्या होता है ना, नेम पूरा चेंज हो जाता है. तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट गैजेट अवेलेबल नहीं है तो आपको पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा. ओके. उसके साथ साथ हस्बैंड का आधार कार्ड कॉपी, वाइफ का आधार कार्ड कॉपी चाहिए बिफोर मैरिज, वाइफ का आधार कार्ड कॉपी चाहिए आफ्टर मैरिज. ओके. उनका स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए वेयर फादर्स नेम इज रिफ्लेक्टिंग. अभी पे स्लिप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वेयर नेम वॉज बिफोर मैरिज. मान लीजिए कि किसी ने कंपनी ज्वाइन किया था, उसके बाद काम करते करते उन्होंने शादी किया है. तो जब उसने कंपनी ज्वाइन किया था तो तब जायज बात है कि उनका आधार कार्ड में उनका पुराना नाम होगा, उनका फादर का नाम होगा. फिर कंपनी में काम करते करते उन्होंने शादी किया. शादी करने के बाद क्या किया मेंबर ने, सभी जगह में आपका नाम चेंज कर दिया. उनका आधार में नाम चेंज कर दिया, पैन में नाम चेंज कर दिया. जैसे आधार और पैन में नाम चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली यूआईडीआई लिंक के साथ आपका ईयूएन नंबर में जो डिटेल्स रहेगा वो अनवेरिफाइड हो जाएगा. दैट मींस देयर विल बी अ लिंक ब्रेक. ओह ओके. तो फिर वो वापस लिंक, अच्छा वो भी डिस्कस करते हैं, वापस वो लिंक कैसे कर पाएंगे. एग्जैक्टली, देयर विल बी अ लिंक ब्रेक. सो इन दैट लिंक ब्रेक यू हैव टू recorrect the name in the UAN which is now matching as per your present date aadhar card. Okay. आप शादी के बाद अपना आधार का नाम चेंज करवाए हो ना, उसमें पहले आता था, son of या daughter of. अभी आ जाता है wife of. तो सभी डिटेल चेंज हो जा रहा है ना, सभी उसमें लिंक ब्रेक. अभी उसमें तो लिंक ब्रेक हो गया आपका. अभी उसमें आपको लिंक करने के लिए फिर यू हैव टू करेक्ट द यूएन डिटेल्स. यूएन डिटेल में आपको शादी के बाद वाला जो नेम है वो डालना पड़ेगा. फिर आपका फादर का, पहले आपका फादर का नाम था उसमें आपका हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा, फिर जाके वो फिर से रीलिंक होगा. ओके ओके. तो उसमें एक पे स्लिप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, हो सकता है तो फर्स्ट 3 मंथ का रिसेंट पे स्लिप वेयर नेम इज अमेंडेड इन द कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर मैरिज. पहले आपको अपना कंपनी में मेंबर का नाम करेक्ट करवाना है, फिर जाके वो पीएफ डिपार्टमेंट चेक करके अपना नाम करेक्ट करवाएगा. सो नेम करेक्शन का फॉरमोस्ट एविडेंस क्या होता है, पे स्लिप. क्योंकि ऑफर लेटर तो आप दे नहीं सकते हो, एक मेंबर का एक ही ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर होता है. अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिला है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग व्हेन शी वाज अनमैरिड. नाउ दैट शी इज मैरिड यू कैन नॉट गिव हर अ न्यू ऑफर लेटर और अ न्यू अपॉइंटमेंट लेटर विद अ रिवाइज नेम. सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू हैव टू गिव देम अ पे स्लिप विद अ रिवाइज नेम. राइट. सो इन दैट केस लेटेस्ट 3 मंथ का pay slip which is in which the name change after marriage is getting reflected, which will prove that the establishment of the company has done the changes from their side also. Got it. Okay. School certificate or PAN card where father's name is reflecting and clarification letter on company's letterhead. Aapko ek forwarding letter dalna padega in which you have to write the member has joined in our company on so and so date. On such and such date, the member has got married, and after marriage, she has changed her name from such and such to such and such. Hence, requesting the commission, hence requesting the good office to please change the name, change the old name from this to this. ठीक है, ठीक है. अभी name change after marriage का, this is the simple and straight process. इसमें कोई up down नहीं है. In fact, name change after marriage का और एक मैं बता देता हूँ. There are cases in which only the surname changes. Right. ठीक है. For अगर आपका पहला वाला नाम correct है और अगर खाली surname change होता है, तो only in that case you don't have to give the your husband का आधार copy या ये सब कुछ भी नहीं चाहिए. In that case marriage certificate is only sufficient. Okay. हाँ, marriage certificate is only sufficient, but your company record has to be पक्का.
your company has to correct the record first. Right. So payslip anyways is required. ठीक है. ठीक है. Now another major category of name change, that is, this is for male members, male. That is complete name change of member or complete father name change. इसका बहुत critical है. और सच बोलूं तो इसका approval लेना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के टाइम में. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो देना है, उसके बाद आपको एक डिटेल क्लैरिफिकेशन देना है ऑन हाउ द नेम चेंजेस हैपेंड एंड एविडेंस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड वेयर करेक्टेड नेम इज रिफ्लेक्टेड इन कंपनीज रिकॉर्ड. ऐसे कंपनी का, बहुत सारे कंपनी का अपना कुछ इंटरनल पोर्टल होता है. इंटरनल पोर्टल में, हाँ इंटरनल पोर्टल में आपको वो दिखाना है कि मैंने मेरा इंटरनल पोर्टल में या सब जगह में अपना अपना एम्प्लॉय का नाम करेक्टेड ही रिकॉर्डेड है, खाली यूएन में नेम गलत है. कंप्लीट नेम चेंज का पीएफ डिपार्टमेंट लुक्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. उसका मतलब यह है कि सुमित का पैसा ऋषभ के पास जा रहा है. राइट. ठीक है, इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसके लिए कितना सारा चीज चाहिए मैं आपको बोल देता हूँ. ज्वाइंट डिक्लेरेशन, डिटेल क्लैरिफिकेशन तो ये देना ही देना है. ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हैविंग एक्चुअल नेम चेंज. उसके बाद एम्प्लॉय काम करते करते अगर उसका कुछ इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट लेटर, इफ एनी, इसलिए मैंने डाल के रखा है. Wages register for first 3 months of joining and latest 3 months of service. Attendance register, first 3 months, latest 3 months. Please try to give these registers in the state specific format. ठीक है, और वही डिटेल दीजिए जो स्टेट स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए होता है. ठीक है. सैलरी स्लिप, पे स्लिप और पे स्लिप फॉर फर्स्ट 3 months ऑफ ज्वाइनिंग एंड लेटेस्ट 3 months ऑफ सर्विस. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, देन स्कूल सर्टिफिकेट, क्लैरिफिकेशन लेटर ऑन कंपनीज लेटर हेड के गलती से ये हो गया है ड्यू टू ओवरसाइट, दिस हैज हैपेंड, सो प्लीज रेक्टिफाई योर रिकॉर्ड दिस एंड दैट. देयर आर सम आरपीएफसी हु आस्क फॉर ईएसआईसी टीआईसी आल्सो एज अ प्रूफ. राइट. सो इफ सम आरपीएफसी इज आस्किंग फॉर ईएसआईसी टीआईसी, देन यू हैव टू गिव द ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री ऑफ First 3 months of joining and latest 3 months of service. Right. In our state, they are also asking for affidavit on 100 rupees or something. Affidavit is only accepted if it is done by the first class judicial magistrate. Notary affidavit, 99% of the RPFC won't accept. Okay. Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad. I am telling you these 4 states right away, they don't accept affidavit for notary. Okay. They accept for complete name change only after the approval has come from the first class judicial magistrate or any IAS officer. Okay. Not even any gazetted officer or IAS officer. Okay. But they are asking basically. अगर कुछ गड़बड़, जैसे आज भी देर वॉज अ सर्क्यूलर पीएफ तरफ से के इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और नाम दूसरे नाम में पैसा जा रहा है, तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि सम पीपल आर मिसयूजिंग दिस एंड नाम गलत कर दे रहे हैं. बट देर आर लॉट ऑफ केसेस विच आर रियली जेन्युइन, क्योंकि क्या होता है वर्कर आया और उसका उसको खुद का नाम भी पता है, भाई मेरा नाम पिंटू है, सब पिंटू ही बोलते हैं बचपन से. इन सम केसेस इवन वर्कर डोंट नो कि उसका नाम गोविंद चौधरी है. वो जब उसका आधार निकल के आता है तब पता चलता है गोविंद चौधरी नाम है, सबको पिंटू ही पता था, इवन रजिस्टर में भी पिंटू ही चल रहा है बहुत सालों से. फिर अभी पता चला कि ट्रांसफर के केस में या ये सब केसेस में अब प्रॉब्लम हो रही है. Exactly, I am facing exactly this issue. Okay. Exactly, I am facing this issue. तो बहुत मुश्किल है. बचपन में दोस्त लोगों ने बाप माँ ने कुछ नाम दे दिया जो जब बुलाता है, लेकिन उसका स्कूल सर्टिफिकेट में नाम कुछ दूसरा ही है, उसका बैंक में डॉक्यूमेंट में नाम कुछ दूसरा है, और बंदे ने क्या किया वही वाला नाम कंपनी को दे दिया. अब पहले क्या कंपनी भी उतना नहीं चेकिंग करता था, जो नाम है वही डाल देता था, लेकिन अभी ये सब चीज नहीं चलता है. अभी द थिंग हैज बीन मेड वेरी मच स्ट्रीमलाइन. राइट. So name change के लिए these are the mandatory required documents. ठीक. Another type of objections that I am coming across is आधार नंबर कलेक्शन, जहाँ पे मेंबर का आधार कार्ड भी गलत सीड हुआ है. Prior to 2017 there was no provision of आधार authentication in EPFO portal. Right. So जो चाहे कुछ भी चाहे आधार नंबर डाल के दे दिया है. I have received आधार numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at least for 100 cases. हाँ. Other number are of like your 12 numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Okay. ठीक है, just एक number देने के लिए दे दिया है. So now those things are having problem.
उसमें एम्प्लॉय का जॉइंट डिक्लेरेशन चाहिए. नाउ एम्प्लॉय का सेल्फ डिक्लेरेशन भी चाहिए कि द एम्प्लॉय इज हिमसेल्फ रिक्वेस्टिंग द पीएफ कमिश्नर टू अमेंड हिज आधार नंबर इन द केवाईसी डिटेल्स. ओके ओके यस. एविडेंस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड वेयर करेक्टेड आधार नंबर इज रिफ्लेक्टेड. या अभी एविडेंस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड, या तो आप अपना कंपनी का प्रोफाइल दे दीजिए जहाँ पे, मतलब एम्प्लॉय प्रोफाइल पेज दे दीजिए जहाँ पे वो दिख रहा होगा. नहीं तो अगर बहुत सारा कंपनी है अपना पे स्लिप में भी आधार नंबर कैप्चर करता है, जैसे मेरा कंपनी पे स्लिप में आधार नंबर कैप्चर करता है, तो इन दैट केस पे स्लिप इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. ठीक है. ओके. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एक्चुअल आधार कार्ड ऑफ द मेंबर, जो कि मेंबर का सही वाला है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ द पर्सन हुज आधार इज रॉन्गली सीडेड इन यूएन ऑफ अ डिफरेंट मेंबर. पीएफ डिपार्टमेंट का मानना है अगर आप किसी और का आधार नंबर वो मेंबर का केवाईसी में डाले हो, तो मतलब वो मेंबर भी तो कभी ना कभी आपका कंपनी में आके काम करके गया है. हो या तो आपको पता होगा, नहीं तो अगर मेंबर ने कुछ गड़बड़ किया तो मेंबर को पता होगा, तो उसका मुझे डिटेल चाहिए. ठीक है. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पैन कार्ड एंड यूएन नंबर एंड मेंबर आईडी ऑफ द मेंबर हुज आधार इज रॉन्गली सीडेड टू अ डिफरेंट मेंबर इफ पॉसिबल. ऐसे मान लीजिए कि सुमित मुखर्जी का यूएन में ऋषभ का आधार नंबर लग गया है. ठीक है. अभी सुमित मुखर्जी का आधार नंबर कुछ और है जिसमें अभी ऋषभ का आधार नंबर लगा है. अभी सुमित मुखर्जी जिस कंपनी में काम करता है, अभी उस कंपनी को ये देखना है कि ये जो आधार नंबर सुमित मुखर्जी का अकाउंट नंबर यूएन में लगा हुआ है, वो आधार नंबर किसका बिलोंग करता है. मुझे पता चला कि वो ऋषभ को बिलोंग करता है. ये कैसे पता करेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है पता करना. वो पीएफ का कहना है कि अगर आपने इसको सीड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएफ को पता चल जाता है कि आधार नंबर किसने सीड किया है, एम्प्लॉय ने सीड किया कि एम्प्लॉयर ने सीड किया है. नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन मान लीजिए मेरा आधार नंबर है 1234, मैंने गलती से 1235 कर दिया, कुछ कर दिया. अब वो आधार नंबर किस व्यक्ति का है मुझे कैसे पता चलेगा? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड. नहीं, पीएफ का ये कहना है कि अगर कंपनी ने गलती की है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास तो वो आधार नंबर कहीं से आया होगा, तो फिर वो आधार नंबर किसका है? ये पीएफ डिपार्टमेंट का कहना है. देखो आप चाहो तो कॉन्टेस्ट कर सकते हो कि ओवरसाइट हो गया, ये किसी को ओवरसाइट हो गया. ये किसी को बिलोंग नहीं करता है, आप ये कर सकते हो. लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट का ये स्टेटअप प्रोसेस है. अभी डेविएशंस डाइवर्शंस बहुत सारा जगह में एप्लीकेबल होता है. ठीक है. अभी हम लोग को अगर स्टेट रास्ते में जाना है तो ये है स्टेट रास्ता. अगर हम लोग को डाइवर्शन में जाना है तो आपको कॉन्टेस्ट करना है. ठीक है. And clarification from company or establishment stating the wrong reason for seeding. Clarification क्या है? वही clarification है कि किसका गलती हो गया. Due to oversight we have done this. Right. ठीक है. Due to oversight we have done this. ठीक है. Perfect. So this is the objection handling for major change. अभी major change में और एक change which is now been noted very seriously, that is age proof, age difference of more than 3 years. प्लस माइनस 3 इयर्स. अगर आपका 3 साल के अंदर है तो आधार से हो जाएगा. अगर 3 साल से ऊपर है, स्पेसिफिकली मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो स्कूल सर्टिफिकेट, नहीं तो पासपोर्ट, नहीं तो सिविल सर्जन फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लेटर पैड में उनका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होना. ओके. और लास्टली एन एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एन ऑर्डर कॉपी फ्रॉम अ आईएएस ऑफिसर. ये 5 चीजों के अलावा पीएफ डिपार्टमेंट विल नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन व्हिच इज मोर देन 3 इयर्स. ओके. अभी आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2036, 2036. ओह माय गॉड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाउ डिड ही इट पीएफ लाइक पोर्टल एक्सेप्ट दिस. सो दिस केस इज प्रोबेबली ड्यू टू द मिस्टेक बाय पीएफ डिपार्टमेंट देमसेल्फ. तो आपको पता है 2014 में दे माइग्रेटेड ऑल द डेटा फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, राइट? मतलब ये पोर्ट क्लाउड पे सब कुछ डाला था उन्होंने, ऑफलाइन टू ऑनलाइन वगैरह कर रहे थे. एट दैट टाइम लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैव कम.
आई हैव कपल ऑफ प्रूफ्स ऑफ, और उस समय उससे पहले जब फिजिकल सबमिट होते थे सारे पेपर, उसकी भी कॉपी है कि उसमें सबमिट हो रहा है 2004 और जब रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो वो पूरी सीरीज पीएफ डिपार्टमेंट ने जब अपडेट करी तो उसे एक नंबर में दो नंबर की डेट ऑफ बर्थ, दो नंबर में तीन की डेट ऑफ बर्थ, तीन में चार की डेट ऑफ बर्थ, पूरी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ पीएफ डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम के कारण गलत अपडेट हो गई। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, फ्यूचर की डेट ऑफ बर्थ आ रही है। हाँ, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब केसेस एंड लाइक वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही हैरेसमेंट है, बहुत ज्यादा इसमें, क्या बहुत ज्यादा हैरेसमेंट है। And now I would like to अभी इसको major change को लेकर, is there any questions that has come up? There are couple of questions. सबसे पहले तो पिछले वाले से, अपने transfer वाले केस में NRS का वो बता रहे संदीप, NRS means statement of non-reckonable service. Okay, so this is basically the PF department is asking for NCP days. NCP days मतलब non-contributory period days. Right, right. So there are many companies who don't update NCP days. Right. अगर आप लोग NCP days update नहीं करोगे तो member का EPS service accounting में problem हो जाएगा. ठीक है. So for example, जैसे मैंने एक ऐसा एक case मैंने handle किया है. When a member is covered under ESIC, so maternity benefit is been taken care by ESIC. So the maternity benefit wages ESIC देता है. When ESIC is giving the maternity wages, that means that person is not eligible for getting the EPF contribution. Correct? So 6 महीने तक उसके EPF contribution zero जाएगा. But you have to continue show zero contribution with 30 or 31 NCP days on a monthly basis. Okay. Which is a proof that member is live and alive in your system, so that when the member applies for PF or pension settlement, he should be enjoying the full service. Pension service में 6 महीने का नीचे जो होता है उसको काउंटिंग नहीं किया जाता, 6 महीने का ऊपर जो होता है उसको काउंटिंग किया जाता है. Right. If your service is 5.2 years, they will count as 5 years. If your service is 5.7 years, they will calculate as 6 years. Okay. So this is the reason for NCP days is required. So basically NRS मतलब it will be a sort of statement जिसमें month wise कितने NCP days है उसका data आपको PF department के पास submit करना होगा, अगर आपने already update नहीं किया हुआ है तो. Absolutely. ठीक है, got it. यादव बालाजी is asking how to confirm whether my service history transferred or not. That you have to take a see. This is a very interesting question. For this, only the PF department has the right to check it. So I don't know how good it will be if I'm sharing this with you guys. That is, PF department has a provision of a service called member ledger. ठीक है. So जो चीज आपको नहीं दिखता है वो PF department को दिख जाता है. So in the member ledger, each and every single details are captured, even your pension service. So if you want to verify whether your pension service has transferred or not, you have to raise a grievance to the respective RPSC and you have to ask for the member ledger. Please use this term member ledger. That member ledger will have all the details. Got it. Archan पूछ रहे हैं कि non-exempted to non-exempted में pension amount reflect नहीं होता, तो आप क्या कह रहे हो कि pension amount transfer होता है but reflect नहीं होता? जी हाँ, हम यही कह रहे हैं. अगर आपका ट्रांसफर कंप्लीटली अप्रूव हो गया है, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं आया है, तो मान के चलिए कि आपकी पेंशन भी ट्रांसफर हो गई. बेसिकली अगर पासबुक में आपका पीएफ का पैसा दिखने लग गया है तो मान के चलिए कि आपकी पेंशन भी ट्रांसफर हो गई है नॉन एग्जम्प्टेड टू नॉन एग्जम्प्टेड में. वहां पे आपको कुछ भी पासबुक में दिखेगा नहीं, बट वो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सर्विस हिस्ट्री आपको यूएन के अगेंस्ट दिखती रहती है, तो अब वो जो पहले आपको एक सर्टिफिकेट होता था, वो सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता था, आजकल उसकी कोई जरूरत नहीं है. राजेंद्र, एक आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो मे बी हम टुवर्ड्स द वेबिनार एंड ऑफ द वेबिनार लेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. या सो नेक्स्ट टॉपिक आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी कंटेंट और समथिंग, बट आई जस्ट लाइक टू डिस्कस ऑन द लेटेस्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी सेक्शन 142. ठीक है. सो सेक्शन 142 सेज दैट इफ समबडीज आधार इज नॉट लिंक्ड विद देयर यूएन, इट्स नॉट ओनली अबाउट लिंक, इट हैज टू बी लिंक्ड एंड वेरीफाइड. Please get these two points very straight. Linking doesn't always means it's verified.
अगर आपने कुछ आधार नंबर 2017 से पहले या 2018 से पहले सीट करके रखे हो ऑलरेडी एंड दोज आर कमिंग एज अनवेरीफाइड, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज वेरीफाइड आधार फॉर कंट्रीब्यूशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of September 2021. सो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज वेरी क्लियर. Previously, they have tried to implement this with effect from 1st of June, but there had been a lot of problems, troubles, and representations from various employers association. Even we have also made a representation from ISF. I was one of the panelists also in ISF. So yes, so we have made a representation after which the relaxation of 3 months have come, and now the relaxation is given till 30th of August, but from 1st of September, it will be made 100% effective. Without Aadhaar being linked and verified, contribution will not happen for those employees. Right. Okay. Now, I would just like to share my screen to just to show you how you have to get this thing done. So, just you have to log into your employer portal. Come to the dashboard, come to active members. Okay. Active member mein aane ke baad, you have to simply download the active member details. Once your active member details gets downloaded, it will download in an Excel file. Abhi mere paas ek Excel file already ek sample ke tahat save kiya hua rakha hai. I will just show you that. Okay. Sorry. अच्छा वो zip है, ओके, इसलिए ओपन या ना आई ओपन इट, आई हैव मेनी एक्चुअली, मैं कोई छोटा वाला ही ओपन करता हूँ, अदरवाइज इट विल बी अ ह्यूज टाइम टेकिंग एक्टिविटी. सी हाँ यो, सो वंस यू डाउनलोड द एक्टिव मेंबर यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स लाइक दिस. You just have to go to the extreme right column. Is Aadhaar verified? Yes or no? See, it is come like this. Jiska yes hai, that means unka sab record pakka hai. ठीक है. Jiska no hai, उसका मतलब है उन लोगों का आधार नंबर तो है लेकिन वो आधार वेरीफाइड नहीं है. अभी आधार वेरीफाइड क्यों नहीं है, उसका रीजन हो सकता है डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, मेंबर नेम करेक्शन, फादर नेम और हस्बैंड नेम करेक्शन. ओके. उसका आधार में जो नाम है वो नाम और यूएन पोर्टल में नाम कुछ डिफरेंट है. उनका जो जेंडर दिख रहा है वो भी शायद हो सकता है डिफरेंट है. उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी शायद हो सकता है डिफरेंट है, जिसके कारण ये सभी मेंबर का आधार नंबर है लेकिन ये यूआईडीआई से वेरीफाइड नहीं है. और जिसका अवेलेबल और जिसका नहीं है उसका तो स्टेट अवे नॉट अवेलेबल दिखा देगा. अच्छा, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंटली सेक्शन 142 आल्सो, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन सर. ओके, हां स्टॉप. सेक्शन 142 आल्सो सेज पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर आल्सो हैज टू गेट द आधार वेरीफाइड इन द यूएन पोर्टल. राइट. So please make sure you do not have this ambiguity or any doubt in your mind that मैंने तो जम्मू एंड कश्मीर में बंदा को लिया है, फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट का बंदा को लिया था, वही बंदा अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उसका आधार सीडिंग नहीं हुआ है, क्या करेंगे? उसको बनवाना पड़ेगा आधार अपना. उसको बनवाना पड़ेगा. इवन ये नेपाल वाले एम्प्लॉयज के लिए भी है क्या आधार? नेपाल इज एन इंटरनेशनल वर्कर. नेपाल विल बी कंसीडर्ड एन इंटरनेशनल वर्कर. नहीं, बट नेपाल के लोग आधार बनवा देते हैं, मतलब नेपाली पीपल कैन मेक आधार एज फार एज आई नो. हां, वो बना के दे कैन लिंक इट, नो प्रॉब्लम, दे कैन लिंक इट. ओके. अदरवाइज अगर इंटरनेशनल वर्कर आप टेक करोगे तो आधार इज नॉट मैंडेटरी. गॉट इट. फॉर नेपाल सिटीजन ये वाला पॉइंट आप चेक करना. मेरे ख्याल में इवन फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स इफ दे डू नॉट हैव आधार उनका चालान नहीं बनेगा. नहीं बनेगा. For international worker, you have a provision that you have to, while, for example, while you are registering a new member, if you are registering a new member, so for example, one second. Should I show the screen?
Yeah, you can show the screen. It will be helpful for everybody. So, see, name as per Aadhaar, date of birth as per Aadhaar, gender as per Aadhaar, father name, ठीक है, तो सभी अभी तो ये चाहिए ही चाहिए. Now, when you select this international worker, then you see automatically your Aadhaar will not become mandatory anymore. It will become disabled automatically. Okay. So, in that case, you have to give passport and all. Perfect. ठीक है. So, for international worker, this is the provision. Okay. But you have to also make sure that you are verifying the international workers. Huh? That is also very, very important. International worker verification is also very important. So please make sure that whenever you are doing international worker, it has to get verified. That is an international worker. So please do that. Okay. Got it. Should I take questions? Yeah, please. Okay. Achha, one more thing that I would just like to explain here before taking any further questions. I have received at least 10,000 queries like this, in which Section 142 implementation has created a havoc, because members coming from previous establishment, the new establishment is only mapping their UN number or only tagging their UN number. So the UN is taking the data which are already seeded in the system. Right. So if the previous employer has done any mistake while creating the UN number, now the ownership will be passed on to the new employer to correct it. Right. And if it is in lakhs, you have to do in lakhs. Mere liye to lakhs hi hota hai. Oh my God. Because I have a transition which has happened recently from a different company to a new company, wherein some 20,000 members have got transferred. Their payroll got transferred from company A to my company. And out of 20,000, some 14,000 members' names are completely different. Like initials, this, that, date of birth, something. After correcting, we have made our onboarding system, which is now verified by EKYC. And EKYC is getting verified with a payment link that we have done through UIDAI. So we are paying to that vendor who has a link with UIDAI to check their KYC details. So that we ensure that whatever new UN numbers we are generating, it has to be 100% KYC pakka. Achha. Okay. So check each and every thing before you add those members. Yes, our onboarding process has been made very strict now. In our onboarding process, if the KYC details are not been verified, you will not get onboarded only. Okay, so सबको ही करना पड़ेगा, भाई guess नहीं तो बाद में बहुत चक्कर लगाने पड़ेगा. We have anticipated this a long back. Okay. हाँ, we have anticipated this a long back, and we have also anticipated the requirement of e-nomination. So we have already covered almost like 40% of our workforce. Yeah, हम लोगों ने e-nomination करवा दिया है. Yeah. Okay. And I'm telling you, very soon it will come. With effect from October only, you will get that information or get that circular. नहीं तो already वो तो inspectors बोलने लग रहे हैं. अभी जगह-जगह जाके हम consultants को भी बोल रहे हैं. They are only saying, they are in a requesting mode now. They are also waiting for that official guideline to come from their head office, from the CPFC's office. So when it comes from the CPFC, then they will start charging you very badly. Right. And you have to do 100% compliant on e-nomination. And for us, like 95% of the workers are blue-collar workers. Usko kya pata e-nomination kya hota hai? It's not easy. The process is not easy. No. Photo upload karo, aur uska zoom sahi karo. And then there are a couple of Aadhaar OTPs. एंड अगर आपने मल्टीपल लोग करे तो सबके आधार नंबर आपको चेक करवाने हैं, वहां पे सही डालने हैं, बैंक नंबर, आईएफएससी कोड, राइट, ठीक है, ऑल दोस डिटेल, इवन देयर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ व्हिच शुड मैच देयर आधार. एंड द पोर्टल हैंग्स, लाइक आपने करा पूरा फिल भी कर दिया एंड पोर्टल विल हैंग. ऐसा बहुत बार होता है. मतलब इन माय केस आई एम नॉट एबल टू ई-साइन इट. मेरा केस में ई-साइन नहीं हो पा रहा है. हां, I have directly spoken to the senior manager of EDP section of PF department. Even that person is also clueless. Then finally he told me to write. Then finally he told me to, sir, you write a mail to NDC. I have directly written a mail to NDC. NDC is the National Data Center, which is in Delhi, जहाँ से PF का पूरा काम होता है. ये जो आप लोग करते हो ना, back पीछे से PF portal का काम जितना भी सारा करते हो ना, वो सब is being controlled by NDC. Don't think that it is controlled by any of the RPFC. RPFC के इसमें कोई हाथ ही नहीं है. आप जो पेमेंट करते हो, जो भी करते हो, एंटायर पोर्टल, PPF पोर्टल, जो भी है, दैट इज बीन मेंटेन बाय एनडीसी ओनली.
राइट, तो इवन जैसे ABRY के लिए काफी लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो PF डिपार्टमेंट कैन डू नथिंग, वो बोलेंगे हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है, एंड सेंट्रलाइज्ड एनडीसी, हां एनडीसी, एनडीसी राइट. मेरा आई हैव 32 PF कोड्स अक्रॉस द कंट्री. ओके, आई हैव गॉट ABRY बेनिफिट फॉर ओनली 3 कोड्स. ओह माय गॉड, दैट्स इट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. सी, I know if the establishment is not eligible, at least the member can be eligible, right? Right. So because of the establishment is not eligible, the benefit is not even passed to the employees also. So I'm facing problems like this. Yes. Okay. Yeah. So before we move further, let me take a couple of questions. Sir, you are telling PF department has each and every data of member. Then in case of death, why NCP days data has been asked by employer? How to maintain NCP days data for multiple members and organization? You have, for in the death claim form, you have seen you have to submit form 3A along with it. From 3A is a mandatory requirement. Okay. So don't think that they will be downloading the member ledger and they will do the accounting manually. Don't expect PF department to do that. You have to give the form 3A, which is a mandatory requirement, which you have to submit it along with form number 20. Form number 20 is the PF claim form. So with the PF claim form, you have to attach form number 3A, then only they will consider it for onward settlement. That 3A will have all the details. NCP days, PF contribution, member, PF contribution, employer, pension contribution, wages, month, everything they have. Right. So Archan, आपका point सही है कि PF department has each and every data, but you know उनका data बहुत ही staggered है, अलग-अलग जगह पे है, और वहाँ पे कोई भी person एक आपके case के लिए इतना effort नहीं डालेगा कि जगह-जगह से वो data लाए और आपका compile करके सारा काम कर दे. They expect कि आपकी company, आपका employee आपको इतना तो देना चाहिए. अगर ये private company हो रही होती अभी PF की जगह, तो probably ये सब problem नहीं होती. लेकिन since it's still a government organization, आपको ये करना पड़ेगा. And you have to maintain the NCP days. That's very, very basic. That's part of your attendance module या attendance जो भी आप maintain करते हो, उसमें NCP days maintain होना ही चाहिए. Even if you are not maintaining NCP days, at least in like for any escalations or for any grievances, or for any death cases, God forbids. So for all these cases, you have to do it. Right. Chaliye. Sumit, I guess one more topic we have less, right? Yes, now that death claims. Yes, death claims is very, very important. I would just like to share you the death claim forms. Acha, there are many PF officers who does not accept the composite claim forms. कंपोजिट क्लेम फॉर्म मतलब जहां पे आपका EDLI, PF और पेंशन सभी एक साथ हो जाता है. ओके, अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर रहे ऐसे कौन से ऑफिसर? अभी तक इधर कर्नाटक में एक्सेप्ट नहीं करता है. अच्छा, ओके, या दे आर ओनली नॉट एक्सेप्टिंग इट. सो दिस इज द कंपोजिट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फॉर्म 20. इन दिस फॉर्म 20 यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी डिटेल्स. ओके, ठीक है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, the thumb impression is very important. So PF department ka kya kehna hai na, they have a very, very unusual type of a logic and thinking. signature to koi bhi jali kar sakta hai, to thumb impression kaise jali karega? Theek hai, haan. So they have a very, very weird kind of a thinking, and they are still in this 1952 ka period in which the time has come. Yeah. So that is the problem basically. So in which we are bound to take all the details. Right. ठीक है, तो ये सब डिटेल्स, ये पूरा आपको डिटेल भर के देना पड़ेगा. सी द मेंबर हैज साइंड एज वेल एज द मेंबर हैज पुट अ थंब इंप्रेशन. ठीक है, तो ये सब चीज आपको देना ही देना, यू हैव नो चॉइस. दिस इज द थिंग दैट आई वाज टेलिंग, सर्टिफिकेट बाय अटेस्टिंग ऑथोरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर द करंट पीरियड, ये आपको देना पड़ता है. तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट 3A. हाँ, तो ये आपको लगा के देना ही देना है. राइट, ठीक है. और ओके, इसके अलावा फोटोग्राफ वाला भी तो लगाना, पेज एक पेज जिसमें सबकी फोटोग्राफ हो. वो मैं आता हूं एक-एक करके. अच्छा, ठीक है. नहीं, वो पेज में लगाना नहीं पड़ता है, वो अलग से सबमिट करना पड़ता है. अभी ये है पेंशन का फॉर्म. ठीक है, अभी पेंशन का फॉर्म में पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 में पांचों उंगली का निशान होना जरूरी है थंब इंप्रेशन.
ओके दिस इज पेज नंबर वन. हाँ पेज नंबर वन, पेज नंबर टू, ये सभी डिटेल जो जो भी है आपको ऐसे ऐसे करके आपको भरते जाना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर सा फैमिली मेंबर्स, फादर एंड मदर इफ अनमैरिड जो है वो. दिस इज वन एंड दिस इज पेज नंबर वन सेकेंड. हाँ नाउ कमिंग टू पेज नंबर फाइव. सी वंडरफुल वंडरफुल. This is page number 5. You have to capture these records. And in page number 7 also. And in page number 7 also, you have to capture this record. See, also here, you have to give the 3A. Right. In pension also, you have to give 3A. Particular of wages and pension contribution for the period of 12 months preceding the date of leaving service or as under. Here also, you have to give 3A. Okay. And then in page number 7 also, you have to capture this thumb impression. Right. Right. Okay. So these all details are required. Along with that, you have to fill up this family member certificate. This is also a very important requirement. Family surviving, family member certificate mein cause of death hona bahut zaruri hai. I have seen few family members serving family member certificate mein where nominee is writing, prefer not to disclose. PF department mujhe wapas kar diya phone. Sir, ye lekar jaiye. अगर नॉमिनी को पैसा नहीं चाहिए तो नॉमिनी को बोल दीजिए कि अगर नॉमिनी को पैसा चाहिए तो नॉमिनी को बोल दीजिए कि किस कारण से डेथ हुआ है वो बोलने के लिए. अगर कोई अननेचुरल कारण से डेथ हुआ है, अननेचुरल कारण मतलब आपका रोड एक्सीडेंट, सुइसाइड, मर्डर, कुछ भी हो, अननेचुरल डेथ्स में आपको पुलिस रिपोर्ट मैंडेटरी होता है. पुलिस रिपोर्ट मतलब FIR इज मैंडेटरी, उसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा इज मैंडेटरी. वो आपको देना ही देना है, यू कैन नॉट डिनाई. Okay. नहीं तो आपका पेंशन सेटलमेंट नहीं होगा, पीएफ सेटलमेंट नहीं होगा. दिस इज सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट फॉर्म. दिस इज अ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट. दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी गिवन. जहाँ पे मेंबर को डिक्लेयर करना पड़ता है, नॉमिनी को डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरा और कहीं पे भी कुछ पीएफ अकाउंट या कुछ भी नहीं है जहाँ से मुझे पेंशन मिल रहा है, और मैं कहीं से कुछ पेंशन का मुझे कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है. ये मेंबर को लिख के देना है, मेंबर का नाम वगैरह डिटेल लिख के देना है. एंड देन फाइनली द एम्प्लॉयर हैज टू गिव अटेस्टेशन. अगर ये सब फॉर्मेट किसी को चाहिए, आई कैन शेयर दैट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बैंक अकाउंट ऑफ द नॉमिनीज, प्लीज मेक श्योर द बैंक अकाउंट आर एक्सक्लूसिवली विच इज मेंशनड एज पर द पीएपीएफ गाइडलाइंस. आप कोई बैंक अकाउंट दे दोगे उसमें आपका पेंशन का पैसा नहीं जाएगा. यही वाला बैंक अकाउंट होना है जिसमें आपको पेंशन, आपका अकाउंट होना है जहां पे आपका पेंशन आएगा. क्योंकि द पीएफ डिपार्टमेंट विल पास द पीपीओ पेंशन पे ऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर बैंक जिसके साथ पीएफ डिपार्टमेंट का टाई अप होगा उसी पर्टिकुलर जोन में. तब जाके आपका पेंशन अमाउंट आपको मंथली मिलता रहेगा इनकेस ऑफ डेथ. मेरे ख्याल में 99% SBI तो सब में ही है, Right. वो भी अवेलेबल है. ठीक है. नाउ डेथ केसेस में, नाउ देयर इज वन मोर थिंग. इफ पेंशन क्लेम इज नॉट अवेल्ड बिफोर 3 years ऑफ सर्विस, इफ पेंशन क्लेम इज नॉट अवेल्ड बिफोर 3 years ऑफ सर्विस, देन यू हैव टू टेक एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट आफ्टर 3 year ऑफ डेथ बेसिकली. यस. ओके ओके. आई हैव मेरे पास एक केस आया था लास्ट वीक में. मेंबर का डेथ हुआ है 2008 में. मेंबर का लड़का आया है मुझसे आज पैसा मांगने के लिए, सर मेरा फादर का पीएफ और पेंशन का पैसा दिलवा दो. मैं पूछ रहा था भाई इतना दिन से क्या कर रहे थे. बोले सर मैं इतना दिन तो छोटा था ना, मैं तब पैदा हुआ था, अभी 18 साल का हो गया बोल के अभी आया हूँ. ओके. व्हाट आंसर कैन आई गिव? आई हैव नो आंसर.
I told simply, okay, as per the guideline, you have to get the court order. If the court gives you order, then I will attach that order copy with the PF and pension claim documents, and I'll submit it to the department. Now it is at the department discretion whether to pass the pension or not pass the pension. I have nothing to say. Because it is beyond the provision, it is beyond the regulations. Now obviously PF department किसी का पैसा देता नहीं, ऐसा होता नहीं है. But they are also bound to some rules and regulations as per their own internal circulars. So they are in receipt of the court orders. Court order मिलने के बाद they normally give that. Death cases में बहुत सारा time पे we are facing like this. In-laws में ना झगड़ा होता है. Wife के साथ in-laws का झगड़ा है. तो अभी in-laws father and mother, लड़का का जो father and mother है, लड़का का father and mother बोल रहे कि मेरा बहू को एक भी पैसा जाना नहीं चाहिए. मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, प्लीज यू गो टू द कोर्ट एंड गेट अ लीगल एयर सर्टिफिकेट आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर और व्हाटएवर कोर्ट डिसाइड्स द ऑर्डर विल बी पास्ड ऑन टू दैट मेंबर. मैं इमीडिएटली होल्ड कर देता हूँ, होल्ड करना मेरे हाथ में है. सो देयर आर मेनी ऑप्शन, देयर आर मेनी केसेस व्हिच आई गेट लाइक दिस, जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट होता है बहुत सारा. हाँ, तो इन दोस केसेस यू हैव टू होल्ड दोस केसेस. There is lot of anger. I can see. Like, I don't know whether this anger is towards the department or it's towards the ignorance of people, ignorance of employee. But I can see that you are like really, really frustrated out of it. And I can imagine 3 lakh लोगों का काम करना, कितने हजारों में केस होंगे. My father, I believe, have few hundred cases of this. And that is again very few, like fraction of percentage में इतने ही cases हम लोग काफी systematic चलते हैं. उसमें भी he has lot of tension and now I can see कि why you are like what you are facing, because you are doing this at a massive scale. From 1st of January 2021 to 30th of June 2021, our company has seen 358 COVID deaths. Oh my God! Only COVID deaths 358. I am not talking about any other deaths. अगर आप सब और मिला लोगे तो you have to add another 150. So 500 deaths has happened only in a period of 6 months. अभी एक-एक आदमी का चार-चार claim होता है. PF, pension, EDLI, अभी और मेरा company का और एक internal insurance है. Term insurance है. Even ESI का भी मिलने लग रहा है ना. ESI भी अगर होगा. ESI का भी COVID claims है. Exactly. ESI का COVID claim में employer का ज़्यादा intervention है नहीं. Employee has to go directly to the EPF office with the RT-PCR report and the certificate. In the ESIC office, the employee has, the nominee has to fill up CR1234. Form number is CR1234. When the member does that, they have to give the documentary evidence and the proof. Then the department directly gives the pension order to the member only. इसमें employer का कहीं पे signature का भी जरूरत नहीं है. चलो ये चीज अच्छी है. Very nice. अच्छा एक और चीज बताइए सुमित, ये death के केस में क्या लेबर वेलफेयर फंड से भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको? अगर आप चाहो तो ले सकते हो, इफ द मेंबर वांट्स ही कैन टेक. ओके, इनफैक्ट अगर ऐसा आप बोलोगे तो अगर आप एक्सीडेंटल रोड एक्सीडेंट डेथ में, तो दैट मेंबर इज एलिजिबल फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम आल्सो एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट. कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, नोबडी नोस आल्सो. ओके ओके. हां, जैसे चलते 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 किसी का डेथ हो गया, आपका कंपनी का कोई एम्प्लॉय चलते चलते किसी का डेथ हो गया, तो as per motor vehicles act that member is that employee is eligible for getting the motor vehicles act insurance का pension insurance का पैसे भी उसको मिलेगा, क्योंकि every vehicle owner has a third party insurance and third party insurance किसके लिए करा जाता है? आपके नुकसान के लिए, दूसरे के नुकसान के लिए. तो फिर दूसरे का नुकसान तो भरपाई करना है ना. ये सब चीज कोई जानता नहीं है, इसलिए कोई करता नहीं है. नाउ आई एम डूइंग एंड टू एंड ऑफ एवरीथिंग. मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट का क्लेम्स आई विल नॉट टच, डोंट कम टू मी ओनली. मेरे ऐसे ही एक-एक आदमी का चार-चार क्लेम, मतलब आई एम ऑलरेडी लोडेड विद 2000 क्लेम्स नाउडेज. अरे यार तुम्हें, ओह माय गॉड. या सो माय थिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. एनीवेज, सो आई हैव अ टीम ऑफ लाइक 10 पीपल, लाइक इंक्लूडिंग 10 भी कम ही लग रहा है यार. यू हैव टू हैव अ टीम ऑफ लाइक 100. नहीं एक्चुअली वो लास्ट ईयर मेरा 19 था, अभी अट्रिशन हुआ है ना लॉकडाउन के कारण. देयर हैज बीन अ ह्यूज बिजनेस लॉस, तो बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा हम लोगों को. नाउ स्लोली स्लोली लाइक बिजनेस जब रीबिल्ड होगा तो वैसे वैसे विल स्टार्ट एडिंग ऑन मेंबर्स. राइट.
अब लेट्स हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए. एक दो जो लास्ट क्वेश्चन है दैट आई विल शेयर. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग सर इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर द फील्ड फॉर्मेट, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर डेथ क्लेम फॉर्मेट. नो वरी सुमित, हमारे ग्रुप में ही है, यू कैन आस्क, दैट वुड बी ग्रेट. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन एनसीपी डेज फॉर मल्टीपल लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन. अरे क्या इश्यू है ये 3 लाख लोगों का अगर मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? एनसीपी डेज इज लाइक अटेंडेंस रजिस्टर से ही वो वैल्यू निकलेगी आपकी, तो एक कॉलम ही बनाना है. अगर आप एक्सेल में भी मेंटेन कर रहे हो, जस्ट मेक अ कॉलम कि कितने दिन कंट्रीब्यूशन नहीं गया है किसी मंथ में. तो किसी मंथ में अगर 26 वर्किंग डेज है आपके और वो बंदा 23 दिन आया तो उसके 3 एनसीपी डेज हो गए. सिंपल. वन लास्ट क्वेश्चन इज डज ऑल नॉमिनी शुड हैव अ अकाउंट इन सेम बैंक. यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. यस, ऑल नॉमिनी शुड हैव द बैंक अकाउंट इन सेम बैंक, सेम ब्रांच आल्सो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर फॉर आस्किंग व्होएवर आस्क्ड दिस. This is a good. So I didn't know. Thank you for asking. मेरे grandfather same bank same branch. मेरे grandfather बहुत सारे लोगों का death claim form भरते हैं और उन सबको यही बोलते हैं कि आपका सारे एक same branch में होना चाहिए. I only thought कि यार because he is doing since like 30-40 years, तो वो पुराना कोई rule होगा वो बताते रहते होंगे. But now Sumit says तो एक double हुआ है कि हाँ ये this rule still exists and same branch में होना चाहिए आपका. Absolutely. Absolutely. क्योंकि मेरे ख्याल में जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो पीपीओ मल्टीपल ब्रांचेस में नहीं भेजेगा, वो एक जगह ही आपका पीपीओ भेजेगा और उस पीपीओ के ऑर्डर के हिसाब से जितने लोगों में जो पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ब्रांच वाले मैनेजर अलग अलग कर देंगे. आई बिलीव दैट, राइट? अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर. देयर आर मेनी पीएफ डिपार्टमेंट्स हु हैव अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट. आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट अगर मान लो कि आप किसी का डेथ क्लेम 1 साल के बाद दे रहे हो, अगर वो बंदा मैरिड था तो शादीशुदा था, तो शादीशुदा के बाद अगर आप डेथ क्लेम किसी का सबमिट कर रहे हो तो उसका वाइफ को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने दूसरा शादी नहीं किया है, तब जाके उसको विडो पेंशन, तब जाके ही विल बी एलिजिबल फॉर विडो पेंशन. ओके, फेयर इनफ. ठीक है, हाँ, तो इट्स अ वेरी वियर्ड रिक्वायरमेंट एक्चुअली ना. देखो, आई एम सेइंग दिस टू यू, इट्स साउंडिंग ओके, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू द नॉमिनी एंड से दिस कि आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने शादी नहीं किया है, द नॉमिनी विल कम वेरी बैडली ऑन यू. अरे सर, आप ये क्या से कैसे कैसे बात करते रहते हो, कैसे हो सकता है ये वो दैट, बिकॉज दे हैव देयर ओन इमोशनल कनेक्ट ना. सो बेसिकली देयर आर वेरी इमोशनल प्लेसेस इन विच यू हैव टू हिट. सो आपको वैसे डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को डील करना पड़ता है कि आपको एक समझाना पड़ता है उनको डिप्लोमेटिकली के मैडम आपसे कैसा चाहिए, ये सब चीज होता है. हाँ, सही है सर. आज आपने बहुत ही ऐसे ऐसे टॉपिक डिस्कस किए विच आर लाइक रियली डिफिकल्ट टू डिस्कस, एंड अगेन एज यू राइटली सेड, नॉट कंफर्टेबल, बट समवन हैज टू डिस्कस एंड समवन हैज टू शेयर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आज नहीं तो कम सबका काम पड़ने वाला है इन सारी चीजों में. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ग्लैड दैट यू शेयर, एंड रिक्वेस्टिंग एवरी एचआर पर्सन इन दिस ग्रुप टू प्लीज एम्फसाइज on the e-nomination of your associates or employees. I am telling you, you don't have that much of time. Any single day in a period of 30 days to 45 days, just wait. A circular will come as a bomb. E-nomination will become mandatory and nobody will get any claims if e-nomination is not done. So before any such atom bomb comes, please act proactively. आपके 3 लाख आदमी है तो कैसे करना है? It's a lengthy process. No, but what I will do, you know, what I will do, you know, like for me also, I treat problems in a different way. I treat problems, मतलब अगर आप प्रॉब्लम को बांट दोगे ना तो आपका प्रॉब्लम कम होता जाएगा. ओके, तो जैसे मान लो कि मेरे पास अभी 3 लाख लोग हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग, एंड आउट ऑफ दैट 3 लाख पीपल आई नो के 2,50,000 पीपल आर इलिटरेट, वो कर ही नहीं पाएगा ये सब चीजें. तो आई विल हायर 10 कंसल्टेंट, 25,000 करके एक एक को दे देंगे. अभी वो 25,000 करके कंसल्टेंट वो अपना मेंबर के साथ संभाल लेगा, मुझे 1 महीने में रिपोर्ट दे देगा, सर आपका हो गया है, वो कंसल्टेंट को मैं पैसा दे दूंगा. So it will be a like one-time cost for me, na. I don't have to recruit any more people for this. Right. क्यों चाहिए मुझे आदमी, क्यों चाहिए?
परफेक्ट परफेक्ट है, अच्छा आइडिया है। तो वी हैव आल्सो डन द सेम ओनली। तो हम लोग ने जैसे वी आर कंसल्टेंट लेबर लॉज में ना, तो हम लोग एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर अगर टच करेंगे तो जो टीम है मेरे पास उससे मैं काम नहीं कर पाऊंगा एम्प्लॉयर वाला। सो व्हाट वी हैव डन इज इन इन आवर एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वी हैव टाइड अप विद डिफरेंट पार्टनर्स एंड उनका एक रेट लिस्ट हमने उनको बना के दिया है कि दिस इज द रेट लिस्ट, इससे ज्यादा आप हमारे थ्रू कोई रेफर होके आएगा तो आप नहीं उनसे चार्ज करोगे। तो हमारा से इंडस्ट्रियल एरिया जोन वन है तो उसका एक बंदर है, जोन टू उसका एक, उसमें एक दुकान है ई मित्र टाइप, हमारे यहाँ बोलते ई मित्र या कंप्लायंस के जो सेंटर होते हैं, एंड दे डू ऑल दीज थिंग्स, ट्रांसफर, ई नॉमिनेशन, के वाई सी, विड्रॉल, एडवांस, क्योंकि जो इलिटरेट होकर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एक रेट लिस्ट लगी हुई है कि भाई जैन साहब के यहाँ से आया है तो ये ₹50, ₹100, ₹100, ₹100 इतना ही चार्ज हम लोग आपसे लेते हैं। और हमारे यहाँ कोई फोन आता है, कोई एम्प्लॉय फोन करता है, वी गिव दिस लिस्ट कि आपके जो नियरेस्ट है वहाँ पे भेज दो आप। करेक्ट करेक्ट। तो आई गेस आज का वेबिनार शायद सबको अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज़ दिस आर लाइक वेरी कॉमन टॉपिक्स व्हिच आर बीन व्हिच आर नॉट बीन डिस्कस्ड ऑन अ रेगुलर मैनर, and these are absolutely my hands-on experience. जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैंने शेयर किया है, इट्स नथिंग दैट मैंने कहीं से कुछ लिया है या कुछ भी, these are all what I have gained from my own experience recently. So before we close, I लोग गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने और क्वेश्चन नहीं लिए तो, बिकॉज देर आर फ्यू मोर क्वेश्चन। One question is by Rajendra. राजेंद्र ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी पेड इन मंथ ऑफ दिसंबर 20, ठीक है दिसंबर तक पे कर दिया, अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक द एम्प्लॉय मार्क्ड एन एग्जिट 30 नवंबर की एग्जिट मार्क कर दी और एग्जिट अप्रूव भी कर दिया एम्प्लॉयर ने 30 नवंबर की, और दिसंबर का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पे हो गया है। द एम्प्लॉय इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली, व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू लाइक ये जो भी आगे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जनवरी में कैसे देंगे उसका, यार ये डेट ऑफ एग्जिट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उधर एक ऑप्शन रहता है डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन का। अगर वो मेंबर आपका कंट्री, अगर वो मेंबर आपका कंपनी में कंटिन्यू काम करते रहता है ना, तो फिर आप पीएफ डिपार्टमेंट को जाके बोलो कि सर हम लोगों ने गलती से इसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिए है, लेकिन ये मेंबर अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ये है उसका पे स्लिप जो करेंट मंथ का पे स्लिप है, और उसके साथ you have to give form 5 and form 10 minded, form 5 mein which will have the date of joining and form 10 mein date of exit ka jagah blank rakhna, udhar remarks mein likh dena continuing service, to jaake pf department mein jama kar to wo apna pf department apna wo date of exit hata dega wahan se, bas problem solved. Perfect perfect. Ek question hai, ek employee ki salary hai ₹20,000 aur pf wage hai ₹15,000, to at the time of joining अपन पीएफ में जो चलान में डेट डालते हैं रेट डालते हैं वो 20,000 डालेंगे कि 15,000 डालेंगे वहां पे? पीएफ में आपका जो वेजेस दिखता है वो कौन सा, वो ईपीएफ वेजेस दिखता है कि ईपीएस वेजेस दिखता है, पहले आपको वो वेरीफाई करना है। अगर वो ईपीएस वेजेस है तो वो आपको 15,000 लिखना है, अगर वो ईपीएफ वेजेस है तो आपको वो ईपीएफ ग्रॉस लिखना है। ओके गॉट इट। एक क्वेश्चन है, वन एम्प्लॉई हैज मेंशनड है, वन एम्प्लॉई मेंशनड एलिजिबल फॉर पेंशन, we also contributed in pension and now while transferring rejected because he was not eligible for pension. Now PF asking for file eligible for pension, shayad higher wage pe join kiya hoga ya fir 58 ke upar join kiya hoga, in any such cases exactly, so now PF is asking to file revised return. No question, no. I'll tell you what theek hai, isme revised contribution ka मेरे पास एक सेक्शन है, पूरा सेक्शन है, तो आई थिंक वी डू नॉट हैव मच टाइम फॉर डिस्कसिंग दिस रिवाइज कंट्रीब्यूशन का जितना भी है। सो पॉइंट नंबर वन इज अ मेंबर हु इज अ पेंशन मेंबर इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंटिन्यू टू बी अ पेंशन मेंबर इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज सैलरी इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी अगर वो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करने से पहले अगर उसका पेंशन अमाउंट सेटलमेंट कर चुका था, that means उसका पीएफ और पेंशन का पैसा उसने पूरा विड्रॉ कर लिया था, इफ एनी मेंबर विड्रॉस 100% सेटलमेंट दैट मेंबरशिप सीज टू एग्जिस्ट, दिस इज द टेक्निकल टर्म, देयर मेंबरशिप सीज टू एग्जिस्ट इन द फंड, इन दैट केस दैट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ न्यू मेंबर इन द न्यू कंपनी, ओके, हाउएवर हैविंग सेम यूएन नंबर, इन दैट केस ही विल बी कंसीडर्ड एज अ एग्जेम्प्टेड मेंबर ऑफ पेंशन। अगर उसमें आप पेंशन दे रहे हो तो वो गलत है, नहीं देना है, ठीक है नहीं देना, ठीक है।
अगर उसका सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो, और ज्वाइन करने से पहले उसने अपना सारा पैसा जो पुराना वाला है सब सेटल कर लिया तो, सिनेरियो वन। सिनेरियो टू ही आपका 58 इयर्स के ऊपर अगर कोई ज्वाइन करता है तो बाय डिफॉल्ट होगा नहीं, और उसमें आपको गलती से दे दिए हो तो फिर उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी कंट्रीब्यूशन रिविजन का भी दो सिनेरियो है, सिनेरियो वन बिफोर अकाउंटिंग ईयर, सिनेरियो टू आफ्टर अकाउंटिंग ईयर। अगर मान लो कि आपका जो गड़बड़ हुआ है दैट इज ऑन द प्रिवेलिंग कंट्रीब्यूशन ईयर, प्रिवेलिंग कंट्रीब्यूशन ईयर इज 2021 और अकाउंटिंग ईयर भी 2021। अभी 2021 का अभी एनुअल अकाउंट्स हुआ नहीं है पीएफ डिपार्टमेंट से, अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। एनुअल अकाउंटिंग अगर हो गया है तो आपको रिवाइज 3A सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर एनुअल अकाउंटिंग नहीं हुआ है तो भी आप रिवाइज 3A जमा कर सकते हो, लेकिन उसका कार्रवाई तभी होगा जब एनुअल अकाउंटिंग खत्म होगा, नहीं तो आपको उसका पूरा कंट्रीब्यूशन रिवाइज करके देना है। जैसे मान लीजिए कि वो मेंबर का कंट्रीब्यूशन के साथ साथ वो ईसीआर में अगर कोई 10,000 लोगों का और भी नाम रहेगा तो पूरा ईसीआर कैंसिल करना, ईसीआर कैंसिल करना है, फिर उसको आपको डैमेज और इंटरेस्ट के साथ फिर से भरना है, तो इतना लायबिलिटी कोई नहीं लेता, नोबडी टेक दिस लायबिलिटी। नहीं बट ईसीआर का अगर पेमेंट हो गया तो ईसीआर कैंसिल थोड़ी ना होगा अभी। हाँ होता है, होता है। अच्छा, मेरा ही हुआ है। मैंने ये जो लास्ट मंथ प्रॉब्लम हुआ था ना, जो मई का पेमेंट जो जून में होने को था, जो ईपीएफ का पोर्टल चल ही नहीं रहा था, तो उसमें से तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों का 4 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है। ओके, हाँ, मतलब एक चालान का डबल डबल पे हो गया है। ओके, हाँ, मतलब क्या हो गया है, चालान एक ही है लेकिन उसका दो दो टीआरएन जनरेट हो गया है। ओके, हाँ, दो-दो टीआरएन जनरेट होने के कारण। तो अगर किसी चालान का पेमेंट हो चुका है तो हाउ डू यू कैंसिल दैट चालान? प्रोविजन है, अगर दैट इज ओनली प्रोविजन है, दैट इज ओनली यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द आरपीएफसी 1। ओके, आरपीएफसी 1 विल टेक अ अप्रूवल फ्रॉम द एडिशनल सीपीएफसी ऑफ दैट जोन। फ्रॉम दैट इट विल गो टू द एनडीसी। अब एनडीसी विल नाउ चेक, अगर जो ईसीआर था उस ईसीआर में से अगर किसी ने अपना पैसा निकाल लिया है, अगर किसी ने सेटलमेंट कर लिया है तो वो सब पोर्शन हट जाएगा। वो सब पोर्शन हट जाने के बाद जो बची कुछ जो रह जाएगा उसी को आपको रिवाइज करके देना है, तो जायज बात है उसमें आपका तो वो वाला मेंबर का तो होगा ही। तो पूरा ऑफलाइन प्रोसेस है बेसिकली, ऑफलाइन अप्रूवल के बाद, राइट? एब्सोल्युटली, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, डू वी गेट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव नॉट डन ई नॉमिनेशन? हाउ डू वी गेट अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव नॉट? यस यस यस, वंस यू डाउनलोड द एक्टिव मेंबर लिस्ट फ्रॉम द पोर्टल, आई विल जस्ट ऋषभ सर जस्ट शेयर द स्क्रीन वंस आई टेल यू टू डू। ओके, तब तक मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं सर। एनी करंटली एनी, ओके, शेयर करूं? नहीं, अच्छा, हां, एक मिनट, आप बता देना, नो प्रॉब्लम। हां, यू कैन शेयर, यू कैन शेयर इट नाउ सर। यस, आप जैसे आपका डैशबोर्ड में से एक्टिव मेंबर डाउनलोड करोगे ना, वो डाउनलोड में ही आपको ये दिख जाएगा नॉमिनेशन फाइल यस कि नो है। अच्छा, ओके, पीएफ डिपार्टमेंट हैज गिवन एवरी ऑप्शन टू सी बाय द एम्प्लॉयर्स। नाउ PF department will be after everybody कि भाई तुम्हारा ये नो है, इसको yes करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, okay। Sir, currently any scheme running for incentive of employer if we hire any disabled person? कोई अभी scheme चल रही है disabled के? Yes, 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 yes. For a period of 3 years, the PF department will pay the money, employee contribution and employer contribution. You have to select that option is employee disabled. Okay. कुछ उसमें वैसा नहीं, रिफंड वगैरह आएगा, ऑटोमेटिकली चालान से कम हो जाएगा, राइट? ऑटोमेटिकली चालान से कम। ओके, अर्चन ने अपने लास्ट क्वेश्चन का फॉलो अप पूछा है कि सर अगर मैंने 20,000 ईपीएफ वेज डाला तो फिर ईपीएफ वेज तो जीरो हो जाना चाहिए ना, वहां पे पेंशन के लिए तो एलिजिबल ही नहीं रहेगा, ऐसा होएगा क्या? हां, हो गई नहीं, अगर न्यू एम्प्लॉई और 20,000 पे ज्वाइन किया उसने, न्यू एम्प्लॉयमेंट में जीरो हो जाएगा। हाँ, तो ईपीएस वेज जीरो हो जाएगी और उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, नहीं तो आपको भी रेज 3A करना पड़ेगा।
तो गाइस बट यू हैव टू प्लीज एंश्योर, हां बट यू हैव टू प्लीज एंश्योर कि आप जिसको नॉन पेंशन मेंबर डिक्लेयर कर रहे हो वो उसको आप 100% पक्का डिक्लेयर कर रहे हो, नहीं तो आप ही को बाद में भुगतना है, बाद ही भुगतना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों 10 बज गई है, हमारा 45 मिनट का वेबिनार 1 hour 30 मिनट का हो गया, बट एनीवेज आई गेस आई डोंट माइंड एंड होपफुली सुमित डजंट माइंड एज वेल। तो चलिए थैंक यू सो मच सुमित, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर अगेन, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आज नया, एंड आई गेस एवरीवन लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, एंड वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, योर गाइडेंस इज कांस्टेंट, एंड एवरीथिंग इज इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स, कोई भी आपका सेक्शन कोड फॉर्म नंबर सारा चीज आप तुरंत बता देते हो, तो थैंक यू सो मच एंड विल डू इट वेबिनार मे बी वंस अगेन सम टाइम लेटर। चलिए थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।